करेंगे 25 बड़ी खबरों की शुरुआत। लाओस के दौरे पर पीएम मोदी का आज दूसरा दिन। लाओस के पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया। आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी लाओस में इंडिया आसियान समिट में हुए शामिल। लाओ रामायण के मंचन को भी वहां पर देखा। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। वियतनाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से की है मुलाकात। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बात हुई। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बना रहेगा गठबंधन। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का किया बड़ा दावा। जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले छिड़ गया विवाद। टीम लगाकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट की ऊंचाई बढ़ा दी गई। अखिलेश ने कहा श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य है, लोगों की निशानी नहीं। आज सिक्किम दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। जवानों को देंगे दशहरे की बधाई। आज गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। नौकुंवारी कन्याओं की करेंगे पूजा। गोरखपुर में आज बटुक पूजन भी किया जाएगा सीएम योगी द्वारा। आज नवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी। कई संगठनों ने सीएम योगी से की थी छुट्टी की मांग। इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी शुरू। यूपी के फूलपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। उपचुनाव के लिए एसपी ने बनाया अपना प्रत्याशी। हरियाणा की हार पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर हुई बैठक। बैठक में राहुल गांधी भी हुए शामिल। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का किया बड़ा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर का बड़ा खुलासा। कहा कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को जिताने में मदद की है। जम्मू कश्मीर में उमर की ताजपोशी का रास्ता हुआ साफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता चुने गए। चार निर्दलीय पार्टी भी शामिल। वहीं बिना कांग्रेस के बहुमत के ही आगे बढ़े। दिल्ली में आप सरकार ने बढ़ाया विधायक फंड। अब हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च कर पाएंगे विधायक। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। भारत सरकार ने कट्टरपंथी समूह हिजब उत तहरीर पर लगाया बैन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। चेन्नई में एनआईए की तलाशी जारी। शिमला की संजौली मस्जिद का नहीं थम रहा विवाद। हिंदू संगठन ने दुकानों पर लगाए सनातन सब्जी वाले का बोर्ड। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज अयोध्या वाराणसी और चित्रकूट का बनाया स्पेशल सर्किट। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने की बड़ी छापेमारी। गोदाम से 204 किलो ड्रग्स मिले। नमकीन की पेटियों में छिपा कर रखे गए थे ड्रग्स। राजस्थान के बाड़मेर में जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप। किसानों की फसलें जलकर हुई राख। यूपी के चंदौली में नवरात्र के मौके पर खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान। खाद्य आपूर्ति विभाग ने मिठाई की चार दुकानों से सैंपल्स लिए। जांच के लिए भेज दिए सैंपल्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फौजी की हत्या का मामला। ग्रामीणों ने शव को रखा फ्लाईओवर और जाम लगा दिया। आरोपी को गिरफ्तार किए जाने तक रोड जाम करने पर अड़े रहे ग्रामीण। गोंडा में मां दुर्गा के पट खोलते समय आतिशबाजी को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर यहां पर हुई पत्थरबाजी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बना शानदार पूजा पांडाल। पहाड़ की थीम पर किया गया तैयार। पंडाल में भैरवनाथ मंदिर की झलक भी शामिल थी। पाकिस्तान में आंदोलन नहीं कर सकेंगे चीनी नागरिक। एससीओ बैठक के दौरान आंदोलन करने पर लगी रोक। आतंकी हमले की आशंका के बीच पाक अधिकारियों का बड़ा फैसला। फ्रांस के मार्टिनिक में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में लगा दी आग। Z News.